हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या है, और प्रोग्राम्स में कैसे हम उसको यूज करेंगे, और साथ में ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े थे कि ये चीजें हम इफ एल्स में यूज कर सकते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्विच के स्टेटमेंट और उस पे बेस्ड एक प्रोग्राम। बेसिकली जो पीछे हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें हमने जिक्र किया था कि दो तरह के होते हैं, एक तो इफ स्टेटमेंट्स जिसमें कि इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ आते हैं, और दूसरा एक स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो स्विच केस होता है। आज की इस क्लास में हम दूसरे टाइप के जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि स्विच केस, जैसा कि नेम से इंडिकेट है, हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि हमारे घर में एक रूम में एक फैन लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। जैसी हमारी आवश्यकता होगी हम उसके अकॉर्डिंग स्विच बोर्ड में से स्विच का बटन दबाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। मान लिया जाए अंधेरा है तो मुझे लाइट का ऑन करने का बटन है वो मुझे दबाना पड़ेगा और लाइट ऑन हो जाएगी। मुझे गर्मी लग रही है तो मैं फैन के स्विच का बटन ऑन करूंगा और फैन ऑन हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में हमें स्विच केस की आवश्यकता रहती है, यानी स्विच केस का ऐसी सिचुएशन जहां पे हमें एक ही चॉइस सेलेक्ट करने की आवश्यकता रहती है वहां पे हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम एक दूसरी दृष्टि से अगर देखें, हमारे से बड़ा कोई पर्सन ये कहता है कि प्लीज स्विच ऑन द लाइट, तो उन्होंने हमें एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को हमने स्विच बोर्ड से उस स्विच को मैच किया कि ये स्विच है लाइट का है और हमें लाइट ऑन कर दी है। तो यही स्थिति हमारे स्विच केस में होगी कि हमारे पास एक चॉइस होगी, उस चॉइस को अवेलेबल चॉइसेस के साथ मैच करेंगे और जो मैच होगी चॉइस उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम स्विच को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कंसीडर ए सिचुएशन इन विच वी हैव मेनी ऑप्शंस, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे फैन हुआ, लाइट हुई, एग्जॉस्ट फैन हुआ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हमें एक को ही सेलेक्ट करना है, तो इट मींस वी आर यूजिंग स्विच केस। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द इजीली स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस में हम एक ऑप्शन हमारे पास होगा, जैसा कि हमारे बड़े ने हमें ऑर्डर दिया कि लाइट ऑन करो, तो उनका ऑर्डर जो है वो एक हमारा चॉइस है, उस चॉइस को हम गिवन ऑप्शंस के साथ कंपेयर करेंगे, जिस ऑप्शन के साथ मैच हो जाता है उसी ऑप्शंस को हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि उन्होंने मुझे कहा कि लाइट ऑन करो तो मैंने लाइट का बटन के साथ उनकी चॉइस को मैच किया और लाइट का बटन ऑन कर दिया। लेकिन स्विच केस में हर एक केस को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जैसे लाइट फिटिंग वाला पर्सन हमारे घर में आया तो उसने ये डिफाइन किया कि ये बटन है वो लाइट का है, वायर के थ्रू लाइट को कनेक्ट किया, फैन को वायर के थ्रू फैन बटन से कनेक्ट किया। उसी तरह से हमें भी स्विच केसेस को, प्रत्येक केसेस को डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ स्विच केस। स्विच केस में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास सिंटैक्स है, स्विच यूज करेंगे, उसके बाद में ये है हमारे पास वैल्यू, जो चॉइस की वैल्यू जिस चॉइस को हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसी के बीच में हमारे सारे केसेस है वो हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि केस फर्स्ट हमने डिफाइन किया, केस स्पेस और वो चॉइस की वैल्यू, सेट ऑफ स्टेटमेंट, अगर ये वैल्यू के साथ ये जो कंडीशन की वैल्यू है वो मैच हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और लास्ट में हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि स्विच केस उसी केस में हम यूज करेंगे कि सभी उपलब्ध चॉइसों में केवल एक चॉइस को एग्जीक्यूट करे और बाकी को छोड़ दें, ओमिट कर दें। तो जैसे ही एक चॉइस हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके तुरंत बाद वो बाहर आ जाता है। इसी तरह से केस वैल्यू दो और उसके सारे स्टेटमेंट लिख करके ब्रेक करेंगे, तो ये केस की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी केस हम बना सकते हैं। अगर इन सारे केसेस से चॉइस मैच नहीं होती है, इन दैट केस हमारे पास जो लास्ट फाइनल केस होता है वो है डिफॉल्ट केस, ये हमेशा लिखा जाता है और इसमें बिना ब्रेक के हम इसको
यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट केस उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब कोई भी केस है आपकी दी हुई चॉइस के साथ मैच नहीं करता हो, तो डिफॉल्ट केस है वो एग्जीक्यूट होगा। कम से कम एक स्टेटमेंट तो डिफॉल्ट केस का एग्जीक्यूट होगा ही होगा। स्विच केस के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी हम चॉइस दे रहे हैं स्विच केस को, वो चॉइस हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, एक कैरेक्टर हो सकता है। तो चॉइसेस के जो लिमिटेशन है वो ये है कि चॉइस में हम केवल इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं और कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं, केवल एक कैरेक्टर स्ट्रिंग हम यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सप्रेशन में जो स्विच केस के ये कंडीशन है, स्विच केस की चॉइस में हम कभी भी फ्लोट वैल्यू डालने का परमिशन नहीं देंगे। जो दूसरी बात है कि केस हम कितने लिख सकते हैं, केस आप मर्जी चाहे उतने लिख सकते हो, लेकिन एक केस स्विच में जो डिफॉल्ट केस है वो एक ही होगा एक स्विच के लिए। तो ये हमारी कुछ स्विच केस की लिमिटेशंस भी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम स्विच केस को यूज करेंगे। अब जैसे फ्लो चार्ट हम देख पा रहे हैं कि फ्लो चार्ट में यहाँ पे एक वैल्यू आई, वैल्यू यानी चॉइस डाली हमने, चॉइस को डाल दिया हमारे वैल्यू में, ये वैल्यू वैल्यू वन के साथ मैच करेगा। ये दोनों वैल्यू अगर मैच हो जाती है यानी ट्रू हो गया, ट्रू होते ही इस केस को वो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर ब्रेक करेगा। और जैसे ही एक ब्रेक कर देगा, ब्रेक के बाद है, इस ब्रेक के बाद सीधा का सीधा यहां आ जाता है, इन सारे स्टेटमेंट्स को छोड़ देता है, ये जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उनको छोड़ देगा। केवल एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए, एक केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए बाकी को छोड़ते हुए सबसे बाहर आ जाए। इसी तरह से वो चेक करेगा दूसरा स्टेटमेंट, अगर ये मैच नहीं होता है तो दूसरे केस के साथ वैल्यू मैच करवाएगा, दूसरे के साथ भी मैच नहीं होता है तो तीसरे के साथ करवाएगा, अगर किसी के साथ मैच नहीं होता है तो वो डिफॉल्ट केस पे चला जाएगा। अगर इन सभी में से किसी एक की वैल्यू मैच हो जाती है तो उसका ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाता है, सबसे बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा स्विच केस का सिंटैक्स है। अब हम प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं, स्विच केस कैसे काम करता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई केस वैल्यू मैच नहीं होती है तो वो डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करता है। व्हेन ए केस वैल्यू मैच विद द चॉइस वैल्यू, अगर चॉइस वैल्यू के साथ केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस को ही वो एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को छोड़ करके बाहर आ जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट के साथ। अगर स्विच केस के किसी भी केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए आ जाएगा, जिससे कि हमारा स्विच केस का मीनिंग है वो खत्म हो जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्विच केस के लिए, इसीलिए स्विच केस का जब भी केस खत्म होता है उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं स्विच केस में कि सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया, मेन को स्टार्ट कर दिया, ये एक हमारा इंटीजर लिया है जो कि चॉइस है हमारी। हम ये जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो ये है कि अगर मैं कीबोर्ड से एक न्यूमेरिक वन दबाता हूं, एक दबाता हूं तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाए O N E यानी वन, अगर दो दबाता हूं तो लिखा हुआ आ जाए टी डब्ल्यू ओ टू, डिजिट्स के जो हैं वो कैरेक्टर फॉर्म में आ जाएं। तो इसके लिए मैं केस स्टेटमेंट यूज कर सकता हूं, तो वो चॉइस मुझे एंटर करनी पड़ेगी। डिजिट्स हमारे पास 0 से 9 होते हैं यानी 10 चॉइसें हैं, इसीलिए मैंने एक इंटीजर टाइप की चॉइस को डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको स्कैन करवा दिया। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमारा स्कैन एफ में, ये स्कैन एफ में स्टेटमेंट चॉइस है हमारी, तो यहाँ पे मैंने चॉइस को एंटर किया। ये चॉइस एन है वो स्विच केस के एक्सप्रेशन में हमने डाल दी। अब देखिए मैंने केस वन लिखा, केस स्पेस जीरो और सेमी कॉलन, केस स्पेस जीरो कॉलन, उसके बाद प्रिंट एफ, अगर जीरो है तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, जेड ई आर ओ, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया जीरो और उसके बाद लिख दिया ब्रेक। तो ये एक केस है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से अगर चॉइस वन में डालूं तो केस वन डाल दिया और कॉलन प्रिंट एफ वन लिखा। इसी तरह से मल्टीपल केसेस वो हमने बनाए हैं। तो यहां देखिए केस
3, केस 4, केस 5, केस 6, 7, 8, 9 और 10 तो होगा नहीं क्योंकि 0 हम ये मानते हैं कि 0 से 9 तक ही हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, तो 0 टू 9 केस लगा दिए टोटल 10 और केस लगाने का तरीका केस स्पेस केस नंबर और कॉलन और प्रिंट एफ, उसके बाद हर एक केस में हमने ब्रेक यूज किया है। डिफॉल्ट केस अगर मैंने इन डिजिट्स के अलावा कोई चॉइस डालूं तो डायरेक्टली वो प्रिंट करवा देगा कि वो डिजिट नहीं है, तो इट मींस डिफॉल्ट केस में मैंने डिजिट्स डाले हैं। ये हमारा स्विच केस बंद हो जाता है यहाँ आके और फिर गेट सीएच लिखा जो कि मैं स्क्रीन को रोकने के लिए यूज करता हूँ हमेशा। फिर मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन किया, रन करने के बाद मैं कोई भी डिजिट डालता हूँ जैसे 6 तो SIX लिखा हुआ आ गया, तो ये 6 नंबर केस एग्जीक्यूट हो गया है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं, मैंने डिजिट डाला 3 तो 3 लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से एक बार फिर से रन करके देखते हैं, मैंने डिजिट डाला 67 तो नो डिजिट क्योंकि 0 टू 9 तक हमारी केस बनाए हैं हमने, तो अगर आगे केस बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं और 0 टू 9 ही डालना है एंटर, इसीलिए ये डिफॉल्ट केस को कंसीडर करते हुए नोट ए डिजिट का आंसर प्रिंट किया है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ बातें के केस के लिए जो हमें हमेशा याद रखनी है कि केस स्टेटमेंट केस और स्विच दोनों कीवर्ड्स हैं जिनको कि हमेशा हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। डेटा टाइप ऑफ केस वैल्यू इज वैल्यू स्पेसिफाइड इन स्विच केस स्पेस स्विच केस स्टेटमेंट मस्ट बी सेम, यानी चॉइस की जो वैल्यू होगी वो भी केस नंबर उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि मैंने अभी इस प्रोग्राम में इंटीजर टाइप की चॉइस ली थी तो केस नंबर 1, 0, 3, 4, 5 सारी की सारी इंटीजर वैल्यू थी। अगर मैं चॉइस कैरेक्टर डालता हूं तो 1, 2 केस के केस 1 की जगह केस ए केस बी इस तरह से यूज करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटीजर और कैरेक्टर्स चॉइस के तौर पे यूज कर सकते हैं हम, फ्लोट और स्ट्रिंग नहीं कर सकते। द केस वैल्यू नीड नॉट बी डिफाइंड इन ए सीक्वेंस, जरूरी नहीं है कि पहला केस मैंने लिखा तो दूसरा केस ही अगला लिखूं, अगला केस मैं 9 भी लिख सकता हूं, 8 भी लिख सकता हूं, यानी केस को लिखने की कोई सीक्वेंस नहीं होती है। स्विच वैल्यू माइट बी डायरेक्ट और ए वेरिएबल और ए एक्सप्रेशन, स्विच केस की वैल्यू है वो जो जैसे चॉइस जो मैं डाल रहा हूं वो एक कैलकुलेशन भी हो सकती है, एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और डायरेक्ट इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है। तो इस लेक्चर में हमने स्विच केस को पढ़ा, स्विच केस कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति जहां पे केवल मुझे सेलेक्ट करना है एक चॉइस तो केवल एक चॉइस सेलेक्ट करने के लिए मैं स्विच केस यूज करूंगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ लूपिंग्स व्हाइल लूप प्रोग्राम बेस्ड ऑन व्हाइल्स। थैंक यू।